आरुति तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपदे। सियावर राम चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम चरित मानस की रचना की, सभी की वंदना की, संत असंत को भी प्रणाम किया। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि असंत को और संत को पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि काली ने भी साधु के वेश में था। तो हनुमान जी भी यही शिक्षा देते हैं कि वेश से पहचानना किसी को बड़ा मुश्किल है। हनुमान जी तो राम कथा के रसिक थे और वो भ्रम में पड़ गए। यद्यपि वो जानते थे, फिर भी हम मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए हनुमान जी मानो ये कहते हैं कि वेश में बड़ा छलावा है। साधु रूप में रावण भी आया तो श्री जानकी माँ उस घेरे से बाहर निकल के आई भिक्षा देने के लिए, और शूर्पणखा सुंदर नारी के वेश में आती है, तो पहचानना बड़ा कठिन हो जाता है कि आखिर संत कौन है असंत कौन है। यही श्रीमद् भागवत की कथा में भी है। पूतना सुंदर स्त्री बन के आती है, यशोदा मैया धोखा खा जाती है कि आखिर ये साध्वी स्त्री है, कोई सती नारी है, कि ये कैसी नारी है। तो तुलसीदास जी ने कहा संत के लक्षण जानने के लिए, संत कौन है। श्री राम जी ने अरण्य कांड में अपने मुख से कहा है। राम जी कहते हैं कि संत वो है, नारद जी से कहते हैं प्रभु राम कि सुन मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहा हूं। गुणों के कारण, भगवान वेश के कारण किसी के बस में नहीं होते, किसी के नहीं होते। वो किसके कारण होते हैं? गुणों के कारण। वेश के कारण भगवान को नहीं पाया जा सकता वेश धारण करके। हाँ स्वभाव, क्योंकि साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु का चरित्र है, कपास है, खेतों में उगता है और उसे निकाला जाता है, काटा जाता है और उसे लोढ़ा जाता है, फिर उसे रुई बनाई जाती है, उसके बीज निकाले जाते हैं, फिर उसे बत्ती बनती है जिससे हम दीपक जलाते हैं और कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, कपड़े बनते हैं, रजाई गद्दे बनते हैं। तो रुई का प्रयोग फिर होता, फिर वो दूसरों का को सुखी देता है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो दूसरों के छिद्र को ढकता, इतना कष्ट पाता है रुई जो है वो कपास, इतना दुख पा करके, लेकिन करता क्या है, दूसरे के तन को छिद्र को गुप्त अंगों को ढककर उसे शोभा का पात्र बनाता है। संत भी ऐसे ही होते हैं, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जही जग जस पावा। वो संत है जो दूसरों के लिए लगातार कष्ट सहता है। और भगवान राम तो कहते हैं प्रभु श्री राम जी कि खट विकार जित अनघ अकामा, काम क्रोध मद लोभ मत्सर ईर्ष्या इत्यादि, इन ये जो खट विकार छह विकार हैं ये इनसे दूर हो जाता है। अदूर उत्तम कोटि के संत होते हैं, मध्यम कोटि के संत इनको शास्त्रवत इनका उपयोग करते हैं। खट विकार जित अनघ जो पाप रहित होते हैं, अकामा जो निष्काम भाव वाले हैं, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, तो वो चाहे किसी भी रूप में हो, कोई भी कपड़ा पहने, तो वो कौन है। राम जी कहते हैं कि वो संत है। अमित बोध अनिहमित भोगी, बड़ा ज्ञानी है और सबसे प्रेम का व्यवहार करता है। सत्य सार कवि कोविद जोगी, मुनि और कवि ज्ञानी यही कहते हैं कि
सत्य को समझता है वही योगी है। सत्य सार कवि कोविद जोगी, सावधान मानद मदहीना, हर कार्य को करने से पहले 10 बार विचार करता है सावधान। क्योंकि अगर वो कहते हैं ना कि जब पक्षी खेत को चुग जाता है तो फिर पछताने से क्या होता है, इसलिए संत किसी भी कार्य को करने से पहले 10 बार सोचता है। सावधान मानद सभी मानुप्रद आप व मानी, सभी को तो सम्मान देता है संत, लेकिन खुद किसी से सम्मान की इच्छा नहीं करता। आपको अगर ऐसे गुण किसी में दिख रहे हैं तो वो संत है। मानद मद हीना अभिमान से रहित है, सम्मान देता है, यद्यपि गुण है, लोग बड़ाई भी करते हैं, लेकिन वो प्रसन्न नहीं होता है इसे। धीर धर्म गति परम प्रवीणा, उसके पास बड़े संबल जो है वो धैर्य है। धीर धर्म अधर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म पर चल रहा है, धर्मवान है, वही संत है। परम प्रवीणा, जो धर्म में परम प्रवीण है वो संत है। और राम जी कहते हैं निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, कोई उसकी बड़ाई करता है तो बड़ा संकुचित हो जाता है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही, दूसरे के गुणों को देख करके हर्षित होता है वो कौन है, वो संत है। और तुलसीदास जी कहते हैं सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, वो समतावान में है और सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सुख दुख हानि लाभ जीवन मृत्यु में वो एक रस है, कभी वो धर्म का त्याग नहीं करता है, नहीं त्याग ही नीति। और सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति, सरल स्वभाव, कोई बनावटी पना नहीं, जानबूझ करके धर्म का दिखावटी पना करना इत्यादि, ये संत के लक्षण है। जो सहज भाव है वही संत का लक्षण है। और कभी दंभ मान मद कर ही नकाऊ, दंभ नहीं करता कि भीतर कुछ और है बाहर कुछ और है, बिल्कुल सरल और सहज। और भूल न दे कुमारग पाऊ, जो भूल करके कुमार्ग पर पाव नहीं रखता है। और गाँव ही सुन ही सदा मम लीला, जो भगवान के भक्त होंगे वो आपको सदैव गुणों का गान करते हुए दिखेंगे। क्या है कि हम किसी के घर पहुंचे फिर हमें देख करके जब तब करने लगे, ऐसा नहीं। कभी किसी संत के घर पहुंचे, द्वार पर पहुंचे, कुटिया पर पहुंचे तो देखें कि वो भगवान का भजन कर रहा है, तो सदैव यदि औरत है तो कभी ना कभी तो इस अवस्था में मिल ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, वो संत है। तो संत की पहचान यह है कि जो बनावटी पना, जो जानबूझ करके व्यवहार दिखाना कि मैं संत हूँ ये भाव रखना, तो वो संत नहीं है। संत तो सहज है, सरल है। और कहते हैं भगवान जो सदैव दंभ कपट मोह मद मत्सर इत्यादि से रहित है वो हमारा भक्त है। तो संत बनिए और भगवान के प्रिय बनिए। तो आगे की कथा में फिर से मिलते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। ईश्वर आप सभी पर कृपा करें। नमस्कार।